हेलो एवरीवन, बंटी दीमान दिस साइड। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, यानी बातचीत करने का तरीका। यह एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल होती है जो आपकी रिलेशनशिप में, करियर में, बिजनेस में और भी बहुत सारी जगह पर आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी है। यह एक आर्ट है, इसे डेवलप किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। फिर चाहे कोई डील या सेल करनी हो, या फिर किसी से अपना कोई काम करवाना हो, या किसी को कन्वेंस करना हो, तो इन सब में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए जो आपकी लाइफ में सक्सेस में हेल्प करेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। दोस्तों, एक बार एक व्यापारी होता है जो एक प्राइवेट बैंक से बड़ी मात्रा में लोन ले लेता है, और वो लोन इस शर्त पे लेता है कि इतने महीनों में सारा लोन चुका दूंगा। अब वो उन पैसों से बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीद लेता है, लेकिन बदकिस्मती से अचानक मंदी आ जाती है और उस व्यापारी को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। अब उसने बैंक से जो लोन लिया होता है उसकी अवधि खत्म हो जाती है, और बैंक वाले हर दिन उसे कॉल करना शुरू करते हैं कि पैसे जमा करो, आपका समय खत्म हो चुका। व्यापारी महीनों तक उनसे कहता रहता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, और यदि मैं अपना कच्चा माल बेच भी दूं तब भी आपके पैसे नहीं चुका पाऊंगा। बैंक वाले कहते हैं, वो सब हमें नहीं पता, हम आप पे केस कर रहे हैं, अब कानूनी तरीके से हम पैसे वसूल करेंगे। केस शुरू होता है और महीने बीत जाते हैं, और केस लड़ने में बैंक के और उस व्यापारी के पैसे भी बर्बाद होने लगते हैं। कोर्ट किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी, इससे व्यापारी और बैंक दोनों का समय और पैसे बर्बाद हो रहे थे। व्यापारी दुखी होकर अपने एक समझदार दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि मैं इस तरह इस कंडीशन में फंस चुका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। दोस्त कहता है, तूने बैंक से अब तक क्या क्या बात की। व्यापारी कहता है, मैंने उन्हें सच सच बात बताई कि इस तरह मुझे घाटा लगा और मैं रकम नहीं चुका पा रहा, लेकिन वो लोग मुझे समझते ही नहीं, मैं उन्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त कहता है, यही तो तूने गलती की, तू सिर्फ यही चाहता है कि वो तुझे समझें, क्या तूने ये सोचा है कि तू भी उन्हें समझने की कोशिश करे। व्यापारी को अपनी गलती समझ आती है और वो बैंक वालों को कॉल करता है और कहता है, मैं आप लोगों के साथ एक मीटिंग करना चाहता हूँ। बैंक वाले कहते हैं, अब कोर्ट में बात करेंगे, हमने बहुत मीटिंग कर ली। व्यापारी रिक्वेस्ट करता है कि उससे कुछ गलतियां हुई हैं, अगर आप मीटिंग के लिए राजी हो जाएं तो आपकी रकम बहुत जल्दी चुका दी जाएगी। बैंक वाले उसकी बात मान लेते हैं और अगले दिन सुबह 9 बजे मीटिंग तय होती है, जिसमें बैंक के बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं। मीटिंग शुरू होते ही व्यापारी कहता है कि आप लोग अपनी स्थिति मुझे समझाने की कोशिश करें। बैंक का मैनेजर गुस्से में कहता है, इतना समय हो गया आपको लोन लिए हुए, हमें ऊपर हिसाब देना पड़ेगा, और यदि हम नहीं दे पाए तो आपकी वजह से हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन आपको अपना ही पॉइंट सही लगता है। बैंक के सभी लोग अपना पॉइंट रखते हैं और उस व्यापारी पर लगातार 3 घंटे तक अपने मन की भड़ास निकालते हैं। 3 घंटे तक व्यापारी चुपचाप उन सबकी बात सुनता है, और अब बैंक के सभी लोग अपनी बात रखते हैं जो बहुत समय से उनके अंदर थी, और फिर सारी बातें बोलकर एकदम शांत हो जाते हैं। व्यापारी पर से उनका सारा गुस्सा उतर जाता है, क्योंकि वे जी भर के अपने मन की बात उसे सुना चुके होते हैं। अब व्यापारी बोलना शुरू करता है, आप लोगों ने जितने भी पॉइंट बताए वो एकदम सही हैं, अगर आप लोगों की जगह मैं होता तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता, लेकिन अब आप मेरी बात भी सुने, मैं व्यापार और लेन देन में हमेशा से ईमानदार रहा हूँ, मार्केट डाउन होने की वजह से मुझे घाटा लगा और मेरा कच्चा माल अभी भी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर मुझे और पैसे मिल जाते तो मैं उस माल को बनाकर दूसरी कंपनी में बेच पाता और मैं एक बार में आपका कर्ज चुका देता, लेकिन यदि अभी मैं कच्चा माल बेच भी दूं तब भी आपका कर्ज नहीं दे पाऊंगा, आप यदि मुझे थोड़े पैसे और उधार दें तो मैं कच्चे माल को तैयार करवा के उसे बेचकर आपके पैसे तुरंत दे दूंगा। बैंक वाले कुछ देर सोचने के बाद उसे और लोन देने के लिए तैयार हो गए। इस बातचीत के दौरान ऐसा लगा मानो किसी ने बैंक वालों पर जादू कर दिया हो। पहले वो उस व्यापारी पर पैसे के लिए केस किए थे, लेकिन अब वो उसे और पैसे देने के लिए तैयार हो गए। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि व्यापारी ने दिमाग लगाया था कि मैं अपनी कोई भी बात तब तक नहीं कहूँगा जब तक मैं उनके सारे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरह से समझ नहीं लूँगा। ये एक सच्ची घटना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति से अपनी किसी भी तरह की बात, सही बात,
मनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले सामने वाले की सारी बातें ध्यान से सुने। सामने वाले को पहले ये मत बताएं मैं ये चाहता हूं और आप मुझे समझें। सामने वाले को आपसे कोई मतलब नहीं है, वो आपको तभी समझेगा जब पहले आप उसे समझोगे। कम्युनिकेशन की ये एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से इतिहास में बड़ी बड़ी डील हुई है। ये ट्रिक बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती है। याद रखें, सामने वाले को पहले अच्छी तरह समझें, फिर वो आपको भी ज़रूर समझेगा और आपके साथ किसी भी डील के लिए राजी हो जाएगा। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर अगर आप ऐसी और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करके कम से कम 5 लोगों को ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार की एक से बढ़कर एक बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए जो आपकी सक्सेस में हेल्प करेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।